स्वागत है जी एक और नए व्लॉग में आप सभी का। और उम्मीद यही करते हैं कि सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। शाम का टाइम हो रखा है, अभी मैं आई थी मार्केट से 2 घंटे पहले ही, और अब मैं लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि अभी मेरे को खाना नहीं बनाना है आज। तो खाने की तो भाई इनकी पेट पूजा हो रखी है, तो सभी ने मना कर रखा है कि हमें खाना नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई खाना नहीं बनाना तो अपना बाकी के और काम स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो मैं सुबह के टाइम में लगाती मशीन, सुबह 5 बजे लगा देती, पर अब इन लोगों ने भी खाने की मना कर दी है, तो फिर मैंने अभी लगा दिया। क्यों टाइम को भी वेस्ट किया जाए, तो सुबह तक ये हो जाएंगे भाई साफ, और बस पानी में से खंगालने रह जाएंगे। अभी ये निकाल के मैं रख दूंगी साइड में टब में डाल के, और सुबह जब पानी आएगा ताजी तब निकाल लूँगी। पहले वाइट कलर वाले जो कपड़े हैं वो वाले डाल देती हूँ, और फिर बाद में डालूँगी जो कलरफुल वाले कपड़े हैं। वो ज़्यादा तो है नहीं, बस थोड़े ही हैं। और फिर भाई सफाई कर रही हूँ तो साथ ही साथ में जितने भी कपड़े निकलते हैं वो धो लेती हूँ, और पर्दे वगैरह हैं 2-3 तो वो भी धो दूँगी साथ के साथ में ही। अभी दूध गर्म होने के लिए रख रखा है, और भाई सोच रही हूँ कि किचन का भी जो सामान है वो अभी निकाल देती हूँ। तो चलिए वो भी अब स्टार्ट कर देती हूँ निकालने के लिए। तो जो भी सामान बाहर रखा हुआ है पहले इसको यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि जो किचन के जो बर्तन भंडार हैं वो निकालने के लिए तो भाई पूरा चौक यहाँ पर फुल हो जाएगा, कहीं पर भी पैर धरने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। देखने में तो भी बिल्कुल छोटी सी लग रही है किचन, पर इसमें इतना सारा सामान सेट हुआ रखा हुआ है, मतलब कि भर रखा है, ठूस रखा है, कि बस जब ये बाहर निकलेगा तब भी ऐसा लगेगा कि भी इतनी छोटी किचन में इतना सारा सामान है, दिखाई तो नहीं देता, बिल्कुल खाली खाली लगती है, और ज़्यादा बड़ी भी ही नहीं है। पर अब जो मैं सामान निकालूंगी तो मेरे को ही पता है, अभी सफाई करूंगी तो हर एक लेडीज़ को भाई किचन की जो सफाई होती है वो करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। मेरे को तो यही लगता है कि भी किचन की सफाई अकेला बंदा करता है तो बड़ा पूरा 2 दिन लग जाते हैं, और कुछ तो इतने सारे बर्तन होते हैं, सारे के सारे बर्तन साफ करने होते हैं, कुछ नए पुराने होते हैं, डब्बे वगैरह होते हैं, पुराना दबा पड़ा हुआ सामान भी होता है। और यहाँ पे पति देव बोल रहे हैं कि कल तो तू बीमार थी और आज सुबह मार्केट भी चली गई, और वहाँ से आने के बाद अब तेरे अंदर इतनी एनर्जी आ रखी है कि तू ये सारे काम में भी लग गई। उन्हें लगता है कि कहीं ये मेरी रील ना बना दे अपने साथ में, मुझे भी ना लगा ले। पर इनको भी सुबह जाना है तो ये अभी फ्री हैं। बस इनको बोल रही हूँ कि आप अपना बस बैग पैक कर लो, सारा सामान मैंने रख रखा है, पर वो भी ये नहीं कर सकते। उसका भी मेरे को ये बोल रहे हैं कि मुझसे अच्छे से नहीं डलते हुए कपड़े, उल्टे सीधे डल जाते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि भी वो काम भी मैं ही करूँ और ये काम भी मैं ही, तो अब तो भाई सबके छक्के छुड़ाने पड़ेंगे। तो हंसी मजाक करते हुए लगी हुई हूँ अपने काम में, और दक्ष गया हुआ अभी ट्यूशन पे। जो ये रैक वगैरह हैं इनमें सारे डब्बे रखे हुए हैं, और सामने रखे हुए हैं जो मसाले के डब्बे हैं कांच वाले, वो वाले रखे हुए हैं। और मेरा एग्जॉस्ट फैन हो रखा है ख़राब, तो अब इनको बोल रखे हैं एग्जॉस्ट फैन आएगा तो यहाँ पर सेट करवा देंगे, तभी मैं किचन के अंदर गैस में जो भी है तलना है या फिर कुछ भी बनाना है वो करूँगी, क्योंकि भी चाय रोटी बनाने में तो चिपचिपाहट नहीं होती बर्तनों में, जिस तरह भी पूरी बनाते हैं या फिर और कुछ तलते हैं या सब्जी बनाते हैं तो उसके कारण हो जाती है चिपचिप बर्तनों में। और चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चिमनी वगैरह हो तो भी हल्की फुल्की बन ही जाती है बर्तनों में चिपचिप। और ये नीचे गैस है और ऊपर ये बर्तन रखे हुए, तो यहाँ पे तो भी लाजमी है ही बनना। कांच के जो जार है वो बड़ी सावधानी से निकाल के लेके आई हूँ, और धोने के बाद बिल्कुल वो नए जैसे हो जाते हैं, पर छोटे हैं, मसाले के लिए ही मंगवा रखे हैं तो उसके यूज़ में अच्छे से आ रहे हैं, थोड़े से और हैं। और जितने भी भाई हर लेडीज़ की ये आदत होती है, जितने डब्बे होते हैं किसी को नहीं हेलो जी, फेंकती। नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से। तो भी व्लॉग की स्टार्टिंग तो मैंने कर दी थी 7 बजे के करीब, और अब रात के 10 से ऊपर का टाइम हो रखा है, और अभी मैं रसोई में लग रही थी। थोड़े बहुत बर्तन तो भाई साफ़ कर दिए हैं, और ये वाले साफ़ कर दिए हैं, ये वाले साफ़ कर दिए, डब्बे साफ़ कर दिए हैं, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कांच के हैं,
ये वाले डब्बे एकदम ऐसे लग रहे हैं देखने में, और ये लिड बहुत अच्छी है इनकी, ये वाली स्टील है ऊपर, ये वाला एयर टाइट है और अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छे हैं। और ये वाले बर्तन धो दिए हैं, और कांच के एक ये कफ धो दिए हैं, कांच के थोड़े बहुत ही गिलास थे वो धो दिए हैं, और कांच के ये वाले जार जो थे ये पिछले साल 2-3 साल पहले मंगवाए थे, ये भी अच्छे हैं, मसाले के लिए अच्छे, ये 12 मंगवाए थे 360 के, या पता नहीं कितने कितने के ही थे, 300-400 रुपये के मंगवाए थे, ये अच्छे हैं। और भी मैं सोच रही थी कि ये बड़े साइज़ में होंगे, पर ये छोटे में निकले, तो भैया अभी रात हो चुकी है। ये साइड के बर्तन भी, ऊपर की पूरी स्लैब खाली कर रखी, इसका जो वो बिछा रखा था रैगजीन वगैरह होती है जो भी मैट सा बिछा रखा था वो हटा दिया है, अब ये वाले बर्तन रह रखे हैं। और इस तरह के जो बर्तन है वो मैंने ढेर सारे बड़े से डब्बे में डालकर रख रखे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी तो किचन है नहीं और काम पे क्या रखूँ। और ये वाली भी बिल्कुल खाली कर दी अलमीरा, और इसके 3 पोर्शन थे, ये वाला मैंने उखाड़ दिया था, भाई ये वो स्क्रॉल करने वाला था तो मैंने दिक्कत कर रहा था, वो निकाल दिया। और ये अभी इसमें एक जो फैन लगा लगाएंगे, क्योंकि भी ख़राब हो रखा है, पूरा 1 साल हो गया, किचन की सफाई करी जब हटाया था और वो अंदर पड़ा है, मैंने वो कबाड़ी वाले को भी दे दिया था 2-3 दिन पहले कि अब तो नया ही आवेगा, और नया आवेगा जब उसमें लगाऊंगी, जब तक मैं अपनी किचन ना साफ़ करके और बाहर रखूंगी वहाँ पे चौक में चूल्हा, क्योंकि फिर अगर मैं चलाऊंगी छोक वोक लगाऊंगी तो भाई सारा चिप चिप यहीं पर रह जावा है, ज़्यादा गंदे हो जावा है, अभी चिमनी वगैरह लगने की ये है नहीं यहाँ पर इतनी जगह, तो भी वो कुछ कर नहीं रहे, बस ये साफ़ सफाई। और ये धुले धुलाए बर्तन है, ये इसमें रख दिए हैं, सुबह धोए थे और कब और अब भी धोए थे, तो भाई ये तो धोने की ज़रूरत है नहीं, एक बार जो ऊपर के होते हैं ये वाले तो सारे यूज़ होते रहते हैं जो रैक में इसमें लगा रखे हैं। तो ये वो डब्बे ही, ये देखो भाई कितने सारे फैल रखे, ये फैल रखे पूरे, ये वाले इतने सारे, छोटी सी किचन में इतना सारा सामान है, अगर बस पूछो ही मत, ये सारा साफ करूँगी। और ये इस साइड में भी रख रखे हैं, ये रख रखे ये बड़े बड़े, तो किचन में तो हर एक का भी ज़्यादा चढ़ जाओ, किचन का नाम आओ ना सफाई का, भी इसकी सफाई करनी है तो सब का दुख 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 हो जाओ, क्योंकि इतने सारे बर्तन साफ कर करके हाथों की रेखाएं भी मिटने ना हो जाओ हैं, और चिप 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 वो अलग तो हो जाओ हैं। तो भी अब मैं सुबह मिलूँगी, अब तो मैं थक गई हूँ, लाइट ऑफ कर कर दूध पी कर सो जाती हूँ, मशीन लगा रखी थी, मशीन में तो कपड़े निकाल दिए हैं, सुबह पानी आवेगा जब खंगालूँगी, क्योंकि भाई एक आध बार हो जाए, फिर मैंने ये सोची कि भी सुबह करना पड़ेगा इतना सारा काम, तो अभी से स्टार्टिंग कर देती, तो मैंने कर दी थी, तो बस अब मशीन भी बंद करके आती हूँ और लाइट भी बंद कर देती हूँ, सुबह मिलते हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग जी, ये कपड़े धो के सुखा दिए हैं, पर्दे भी धोए थे, 2 पर्दे रह रखे थे वो धो दिए, मशीन में तो निकाल दिए थे, और अब सुबह पानी में तो खंगाल दिए, और ये रैगजीन जो है किचन वाली वो भी साफ़ कर दी, और साफ़ होगी जो कपड़े धोने वाले हैं साबुन होता है ना रिन, उससे धो दी, बिल्कुल चिप चिप नहीं है ये इसमें, तो ये 2 साल हो चुके हैं यूज़ करते, अच्छी निकली, 300 रुपये की आई थी, और अच्छी है, जैसे वॉलपेपर आता है ना उससे ज़्यादा मोटी ही, ये दरदरी सी है, और इसका कलर कुछ इस तरह का है, जिस तरह भी पलाई लकड़ी का होता है वैसा ही है, और अब चला नहीं, और भाई अपनी शक्ल दिखाने लिखी है नहीं, तो अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, अभी मैं जाकर नहा लेती हूँ एक बार, और थोड़ा बहुत काम समेट लेती हूँ, और यहाँ पर पौधे में पानी दिया था, देखो पूरा जीना गिला होगा, और ये वाला पता नहीं क्यों सूखने लग गया, इसको क्या दिक्कत हो गई भाई, और ये बड़े खिलखिला रहे हैं, तो निकालना पड़ेगा एक, और भाई हालत ऐसी हो रही है कि वीडियो अपनी तरफ नहीं कर सकती कैमरे को, नहाने के बाद ही मिलूंगी, और घर में तो बस उत्पात हो मच रहा है बिल्कुल, चलो दिखाती हूँ एक बार आपको, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भी, ये देखो बर्तन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ये पानी भर कर रख रखे हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, ताज़ा पानी आ रखा है, और ये बर्तन बर्तन भंडार, ये देखिए भाई सारे बहुत सारे डब्बे वो खाली कर रखे हैं, और नया मैं सामान निकाल कर रख रखा है, ये देखिए भाई नए वाले डब्बे, और अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कांच के हैं, तो इनमें मैं सामान डाल रही हूँ, और ये सारा सामान भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैसे भी एल्युमिनियम तो यूज़ नहीं करती, वो प्लास्टिक है ही, प्लास्टिक का भी आगे आने वाले टाइम में इसको भी भाई छोड़ छोड़ देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, पर अभी चल रहा तो चलता रहेगा थोड़े बहुत दिन, और एल्युमिनियम तो बिल्कुल बंद कर रखा है, 1-2 बर्तन हैं पर वो यूज़ नहीं करते, वो बस वैसे ही रखा रहा है, और ये देखो भी अंदर भी वो भी निकालना है मेरे को, अभी मक्खन भी निकालना है, दूध भी लो रखा है,
और पूरी किचन में फैल रखा है, और यहाँ पे ये तेल रख रखा है ताकि ये वाला रूम साफ़ होने के बाद उसमें सेट कर देंगे, और ये सोफे यहाँ पे फैला रखे हैं, और ये रूम में तो भाई ठीक ठाक है। ये तो बेडशीट वगैरह ठीक करनी है, झाड़ू लगानी है, और तो कुछ नहीं है। और अभी भी मैं नहा चुकी हूँ, 9:30 बजे का टाइम हो गया है। टी शर्ट और लोअर डाल रखा है, कपड़े बाद में चेंज करूँगी, और झाड़ू पोछा कर दिया है, सारा घर साफ सुथरा कर दिया, बस ये वाला हिस्सा है किचन किचन का काम रह रखा है, वो करूँगी मैं आराम से। तो अभी तो पहले पूजा कर लूँ, और बस भाई पूजा करके फिर बना के पीऊँगी एक कप चाय, क्योंकि भी सुबह थोड़ी सी चाय मिली थी मेरे को, थोड़ा सा दूध रह रखा था और उसमें 3 कप पूरे करने पड़े, तब तो भी सब्र नहीं आया, और ठंड भी हो रखी है, हल्का हल्का गला और जुकाम में भी हो रखी है, तो भी ये तो सारे बहाने हैं, चाय पीना है तभी तो पीनी है। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ भाई, 9:30 तो कर दिया है, जितना लेट हो गई है पूजा करने में भी। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी छत पर सूर्य देवता को अर्घ देने, और अभी भी काम तो घर पे बहुत सारा फैल रखा है, पर उससे पहले मेरे को जाना है, एक हवन हो रहा है हमारे घर के पास में, वहाँ पर जाना है, फिर दिन में होगा सत्संग तो वो भी अटेंड करना है, तो भी काम के साथ साथ में ये चीज़ें हैं ये भी देखनी पड़ती है। तो अभी तो भी काम तो पूरा दिन यूं ही चलता रहेगा और सारी ज़िंदगी भर चलता रहेगा, तो थोड़ी देर हम चलते हैं भाई तैयार हो के बाहर, आने के बाद करूँगी काम। और ये काम तो भाई मेरा रात के 8 बजे तक हो पाया था, किचन वाला, किचन बाद में सेट करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। और देखिए भी हो चुकी हूँ मैं रेडी, ये वाला मैंने येलो वाला सूट डाल लिया है, और ये रेड कलर के इयररिंग्स, और ये वाली मैंने चूड़ी डाल ली है सूट के मैचिंग की, ये देखो भाई, और साथ में ये कड़े लगा लिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे को, कल ये येलो के साथ डाल कर देखे ना बहुत सुंदर लगे, तो ये वाले मैंने डाल लिए है दोनों हाथों में। तो अब चलूँ, चाय भी मेरी रेडी हो रखी, चाय पी कर और मैं चलूँ।